कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि एक के बाद एक घिनौने केस सामने आ रहे हैं। इंसाफ के लिए कुछ लोग सड़कों पर तो उतर रहे हैं, लेकिन समाज की गंदगी का इलाज अब मोमबत्ती से नहीं हो सकता, इस बात में कोई शक नहीं है। गुनाह के आज इस एक और एपिसोड के बाद शायद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएं कि महिला सुरक्षा का ये मुद्दा अब इग्नोर कर देने वाला नहीं है। शायद सत्ता में बैठी सरकारें भी अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ सोच लें। एक 14 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़कर अपनी क्लास से घर लौट रही थी, तभी तीन लड़कों ने उसे रोक लिया। बच्ची के साथ तीन लड़कों ने बलात्कार किया। गैंगरेप के बाद बच्ची को सड़क किनारे छोड़ गए। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम के 7 बजे स्थानीय निवासियों ने 14 साल की लड़की को सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पाया। इसके बाद पुलिस उसे इलाज और मेडिकल जांच के लिए नागांव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले गई। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके साथ तीन लड़कों ने बलात्कार किया है। महिला अधिकारी ने नाबालिग का बयान लिया। उन्होंने ये भी कहा कि घटनास्थल से सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर लिया गया है और अब पुलिस इस मामले की कड़ी जांच में जुट गई है। नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की खबर के बाद से इलाके में लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद से ही इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान तक कर दिया है। स्थानीय संगठनों और लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक के लिए इलाका अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस घटना को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। DGP को घटनास्थल का दौरा करने का निर्देश दिया है। हर रोज गुनाह के एपिसोड में हम आपके सामने ऐसे ही एक केस रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये बड़ी आम सी बात है। देवियों को पूजने वाले इस देश में बच्चों के साथ इन गुनाहों को होते देखना क्या हम ठीक कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए खुला है। देखते रहिए एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।